सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आंतों में सूजन और जो दर्द होता है उसका योग उपचार बतलाने जा रहा हूँ। आंतों में सूजन विशेषकर तब होता है जब हम सड़ी हुई बासी चीज़ खा लेते हैं, जिसमें कि पहले से ही कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, फफूंद लग गए हैं, तो उससे आंतों में सूजन हो जाती है। आंतों में सूजन के दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि अभी भोजन पचा नहीं और आपने फिर भोजन ले लिया तो भोजन आंतों में सड़ जाता है, ज़्यादा जमा हो जाने से ज़्यादा उस पर ओवरलोड हो जाता है, सारा वो क्लियर नहीं कर पाता है। पेशाब टट्टी जो हम लोग करते हैं तो पूरा साफ नहीं होता, वहाँ चिपका रहता है। यदि भोजन हम ऐसा करते हैं चिपकने वाले भोजन, इसमें मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है और जो फास्ट फूड हैं तो वे वहाँ पर ज़्यादा असर डालते हैं। फिर हम कोई उत्तेजक चीज़ लेते हैं, जैसे शराब हो गया या गुटखा वगैरह खाते हैं या जो नशीली चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं, तंबाकू ले लेते हैं, जो मादक द्रव्य हैं ये भी वहाँ पर उत्तेजना पैदा करते हैं। चाय है, कॉफ़ी है, ये सब भी उत्तेजना पैदा करते हैं वहाँ पर। जो जिन जिनको ऐसी परेशानी होती है, जो दूध को पचा नहीं पाते हैं, वह भी सूजन वहाँ पैदा करता है। यानी दूध का सेवन करना, दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ है, खोआ है, मिठाई है, पनीर है, तो जो लोग पचा नहीं पाते तो वहाँ पर जो है वो सूजन और सड़न शुरू हो जाती है। तो अपने प्रकृति को देख के सोचना चाहिए कि मुझे दूध के आइटम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। दूध के आइटम खाने के बाद जो पानी बहुत ज़्यादा पी देते हैं उनको भी यह दिक्कत हो जाती है। जिनको कृमि का आक्रमण हो जाता है उसके कारण भी सूजन वगैरह वहाँ हो जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की कृमियाँ हैं, एस्कैरिस वगैरह हैं, तो वहाँ जा कर के वे इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। अंडे वंडे भी दे देते हैं, बच्चे भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा आंतों में वे चिपक जाते हैं और वहाँ खून चूसने लगते हैं, भोजन चूसने लगते हैं और आंतों में सूजन हो जाती है कि मात्रा बहुत बढ़ जाती है वहाँ। जिनका पेट साफ नहीं रहता, कब्ज रहता है, जो सूखी चीज़ खाते हैं उसके कारण भी वहाँ पर सूजन होने लगती है। पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि दो बार भोजन करते हैं तो दो बार आपको दस्त जाना चाहिए, दो बार मल त्याग के लिए जाना चाहिए। कुछ लोग दो दो दिन पर एक एक बार जाते हैं तो इससे बहुत दिक्कत होती है। दिन में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। अब आपको करना क्या है इसमें, तो पहले मैं आपको बता दूं कि योगोपचार की जो विधि है उसमें पहले मैं कुछ आसन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर जो है आपको अन्य उपाय भी बताऊँगा। तो आसनों में कुछ कुछ जो आपको कठिन लगें जितने मैं बताऊँगा, तो बहुत कठिन लगे तो आप उनको मत करें, जो साधारण सा लगे हैं उनको ही आप करेंगे, जो आपके बस में हो। यह अवश्य है कि जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना ही लाभकारी होगा, लेकिन आप अपनी क्षमता और अपनी आयु के हिसाब से ही इसको करें, और पहले कम करें फिर धीरे धीरे बढ़ाएं।
शौच क्रिया से निवृत्त होकर के इसको आप करेंगे, खुले स्थान पर ढीले डाले कपड़े पहन करके, कंबल दरी बिछा करके। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जिस आसन को, वह है उधर मुष्टिकासन। तो देखिए उधर मुष्टिकासन के लिए कैसे करते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर एक एक आसन का वो देखना है तो आप अलग से ही आसनों के वीडियो उसमें जाके देखें, मैं यहाँ सिर्फ कर कर के दिखाता जाऊँगा और उसको आपको करना है, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बोलूँगा। इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे करके बैठ जाएंगे और नाभि के भीतर दोनों ओठों को घुसा देंगे और मुट्ठी खींच लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और इसको भीतर घुसा करके इसको घुमाना है, सांस रोक करके घुमाना है, जितनी बार घुमा सकते हैं आगे पीछे, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। मैंने एक बार किया, आपको कम से कम 5 बार करना है। अब इसके बाद देखिए वज्रासन की स्थिति है। वज्रासन की स्थितियाँ देख लीजिए आप, पीछे से पैर देखिए, आपको बैठना है, खाना खाने के बाद इस तरह से पैर फैला लेंगे और ऐसे बैठेंगे, ऐसे आप 3 मिनट तक बैठ जाएंगे, फिर आप एक पैर के ऊपर एक पैर रख लेंगे, ऐसे इस पर बैठेंगे 3 मिनट तक, इस पैर को बदल लेंगे, एक जिस पैर को ऊपर रखे थे उसको नीचे कर लेंगे, नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे, ऐसे बैठेंगे 3 मिनट तक, फिर दोनों को मिला लेंगे और एड़ी को छितराने नहीं देना है, और इस पर बैठना है 3 मिनट तक, फिर पंजे पर आपको बैठना है 3 मिनट तक, ये आपको करना है। अब इसके बाद आपको नाभ्यासन करना है, लेट के करते हैं, नाभि के नीचे हाथ रख लेंगे और दोनों पैर और सर, जांग, कमर सब उठा लेना है, यानी सिर्फ नाभि, हाथ आपका जो है वही जमीन से सटा रहेगा, हाथ के बल पर पूरे शरीर को उठा लेना है। सांस छोड़ देंगे, सांस छोड़ने के बाद सांस को रोक देंगे और रोकने के बाद उठा लेंगे। मैंने एक बार करके दिखाया है, आपको 5 बार करने हैं। अब इसके बाद शलभासन करेंगे, लेते ही स्थिति में पहले बाएं पैर को उठाएंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस को रोक देंगे और सांस को रोक करके बाएं पैर को पहले उठाएंगे। फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे और रोक करके अब दाएं पैर को उठाएंगे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, सांस फिर छोड़ देंगे, सांस फिर रोक देंगे और दोनों पैरों को कमर से एक जांघ से उठाएंगे। मैंने एक एक बार किया है, आपको 5 बार करने हैं।
अब नाभ्यस्त शलभासन करेंगे, जिसमें कि नाभि के नीचे दोनों हाथों को रख लेते हैं। अब फिर सिर को टिका लेंगे जमीन पर, सांस को छोड़ेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे। अब सर्पासन करेंगे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख लेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, जबड़ा टाइट रहेगा, आंखें ऊपर, ऐसे लगभग 3 मिनट तक आपको रहना है। देखिए उष्ट्रासन घुटने को पार हो गए, दोनों पैरों फैला देंगे, हाथ से पकड़ लेंगे और कमर को विपरीत दिशा में ढकेलेंगे, सिर को जिला झुका देंगे पीछे। तीन मिनट तक रहेंगे। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वे इस तरह से पंजे के बल पर हो जाएंगे और इस तरह से करेंगे। ये आसान है, पहले आसान वाला कर लेंगे फिर उसको करेंगे। अब त्रिय भुजंगासन देखिए, दोनों हाथों को फैला लेंगे थोड़ा और समानांतर में पैर को रखेंगे, पीछे से देखेंगे, कोशिश करेंगे बटक को देखने की, चूतड़ को देखने की कोशिश करेंगे, विपरीत दिशा से, मैंने एक एक बार देखा है, आपको 5-5 बार देखना है, हर बार सांस छोड़ करके सांस रोक करके देखना है। अब आपको शुद्ध वज्रासन करना है, पहले इस तरह से हो जाएंगे, ये तो आसान है, दोनों एडी को मिला करके और लेट जाएंगे, हाथ को यहाँ रखें, तीन मिनट तक आपको रहना है। अब जो इसमें सफल हो जाते हैं ये पैर को इस तरह से कर लेंगे, पंजे पर हो जाएंगे और तब फिर लेट कर रहना है। अब आपको धनुरासन करना है, पेट के बल पर लेट जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे और सांस छोड़ करके सांस को रोक देंगे और पैर की ताकत से हाथ को खींचेंगे, ध्यान रहे हाथ से नहीं खींचना पैर को, पैर से खींचना हाथ को। तीन मिनट तक रहेंगे। अब उसके बाद हिंडोलासन करेंगे, जैसे धनुरासन किया था ठीक इसी तरह से करके आगे पीछे झूलना है, सांस को छोड़ देंगे, बाहर निकालेंगे यानी रिचक क्रिया करेंगे, फिर सांस को रोक देंगे, कुंभक करेंगे, फिर आगे पीछे झूलेंगे, जितनी बार झूल सकते हैं सांस को रोके रोके। मैंने एक सांस दिखलाया, आपको कम से कम 5 सांस करना है। अब प्राणासन करेंगे, एड़ी को नाभि पर रखेंगे, एक पैर को बाएं पैर को खड़ा रखे, अब इस हाथ से इस पैर को पकड़ लेंगे घुटने के पीछे तरफ से और इसको
इस पैर को पकड़ लेंगे और सटा देंगे इसको। 3 मिनट तक रहना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, शुरुआत में आप 1 मिनट या 30 सेकंड भी रहें, धीरे धीरे बढ़ाएं। और इसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। ये प्राणासन है। इसके बाद आपको कंद पीड़ासन बतला रहा हूँ, काफ़ी कठिन आसन है, जो कर सकते हैं वे करेंगे, लेकिन यह बहुत लाभकारी है। तो पहले आप ऊर्ध्वपाद तलासन करेंगे, इसको ऊर्ध्वपाद तलासन कहते हैं। पहले आप इसको कर लें, सीधा कंद पीड़ासन करना कठिन है, पहले आप इसको करके आप मुलायम कर लें। जब आपका यह हो जाएगा, ऊर्ध्वपाद तलासन जब हो जाएगा, तभी आप योग्य होंगे कंद पीड़ासन करने के। अब इसको जब हो जाएगा, तब आप इसको उठा करके नाभि पर रखते हैं, दोनों पैरों को। इस तरह से आप इसको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आप इसे करेंगे। इसके बाद हृदय स्तंभ आसन देखिए, इसके बाद लेट गए, हाथ को पीछे कर लेंगे, हाथ को उठाएंगे, पैर को उठाएंगे, छाती को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे और अंगूठे की ओर देखेंगे। सांस चलती रहेगी सामान्य। इस तरह से आपको 3 मिनट तक करना है। देखिए नौकासन जो है, हाथ को पीछे मोड़ लेंगे और पैर को उठा देंगे। तीन मिनट तक रहना है। अब आपको सिर्फ पैर उठाना है और पैर को देखते रहना है, अंगूठे को पारा सा 3 मिनट। अब आपको हरासन करना है, पैर को पीछे ले जाना है, घुटना सीधा रहना चाहिए। अब आपको चक्रासन करना है, पैर को मोड़ लेना है, हाथ को पीछे कर लेना है, इस तरह से हाथ को इस तरह से पीछे करेंगे और तब सिर के बल हो जाएंगे, फिर उठा लेंगे। आपको अर्ध मत्स्येन्द्र आसन करना है। अब एक पैर को मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को खड़ा रखिए, जो मुड़ा हुआ पैर है उसका हाथ लाइए और घुटना के बल से पार करते हुए उसको पकड़ लीजिए। पीछे की ओर देखिए और हाथ जांघ पर रहे, एक मिनट से 3 मिनट। पैर बदल लेंगे, गौमुख आसन करेंगे, एक पैर के ऊपर एक पैर इस तरह से रहना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, हाथ को पीछे से कर लेंगे
सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सर सटा देंगे। पैर बदल देंगे, हाथ से पीछे पकड़ लेना है। देखिए इस तरह से पकड़ते हैं, अब आपको जानुभालासन करना है। ये धरण को ठीक करता है। जिन लोगों का धरण खराब हो जाता है उन लोग को ही ये सूजन की समस्या ज़्यादा आती है। तो धरण ठीक हो जाएगा जानुभालासन से। दोनों पैरों को ठीक मिला लेंगे, पहले यहाँ छुएंगे, भूमि स्पर्श आसन करेंगे, फिर हाथ को यहाँ रख देंगे और सिर को सटाएंगे घुटने से। घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, सीधा रहना चाहिए। जानुभालासन अब आपको प्राणायाम बतला रहा हूँ कुछ। इसमें कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाइए, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर इस तरह से पैर के ऊपर पैर चढ़ा लीजिए। ऐसे पैर चढ़ा लें और हाथ को इस तरह से कर लें और ये उंगली ये दो उंगली है यानी कनिष्ठा उंगली और तर्जनी उंगली को दबा लेना है। ये बीच की दो उंगलियां खुली रहेंगी। अब इसके बाद आपको झटके से सांस को बाहर फेंकना है। फेंकने पर ही सांस का जोर होगा, हवा खुद ब खुद भरेगी। आपको हवा लेने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ हवा को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। नाभि को भीतर जाने देना अधिक से अधिक। इस तरह से आपको कपालभाति प्राणायाम करना है 108 बार कम से कम। जाड़े के दिन में आप ज़्यादा कर सकते हैं, गर्मी के दिन में 108 बार तक ही करेंगे और बरसात के दिन में आप 250 बार कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद में आपको सांस को बाहर निकाल देना है और सांस को रोक देना है और पेट को हवा की ताकत से खींच लेना है ऊपर की ओर ताकि गड्ढा जैसा हो जाए। ऐसा ऐसा आपको 11 बार करना है, मैंने एक बार करके दिखाया है। अब आपको नौली क्रिया करनी है। ये कठिन है थोड़ा, लेकिन इसको कर लेंगे तो यह आंत के सूल को समूल नष्ट कर देता है। इसको खड़ा होकर के बैठ के दोनों तरीके से किया जाता है। मैं खड़ा होकर के आसान है, मैं आपको खड़ा होकर के दिखला देता हूँ करके। सांस को बाहर आप निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे और रोक करके हवा के प्रेशर से पहले बीच के नली को निकालेंगे, फिर इसको घुमाने की कोशिश करेंगे उल्टी दिशा में सीधी दिशा में। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे,
फिर अग्निसार प्राणायाम करते हैं। अग्निसार प्राणायाम में सांस को बाहर निकाल करके सांस को रोक देते हैं और सांस को रोकने के बाद पेट को हिलाते हैं आगे पीछे लहर की तरह। देखिए मैंने एक एक बार दिखलाया है आपको, पांच पांच बार करना है। इसको बैठ करके भी किया जाता है। बैठ करके भी करते हैं, खड़े और बैठ करके दोनों तरीके से कर लीजिए। विधि वही रहे। अब आपको बतला रहा हूं कि योग की मुद्रा जो बहुत लाभ पहुंचाती है इसमें, तो एक तो है यह इंद्र मुद्रा। इसमें इस उंगली को दबा देते हैं, कनिष्ठा उंगली को, सीधा बैठ जाएंगे और ऐसे 15 मिनट तक बैठने की ताकत हासिल कर सकते हैं आप। लेकिन कम से कम आपको 5 मिनट करना चाहिए और इसका ठीक बीचों बीच दबाना है आपको। सूजन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है यह। जिनको सूजन भी है और गैस भी काफ़ी बनती है उनके लिए देखिए, इस उंगली को दबाएंगे और इस उंगली को दबाएंगे, कनिष्ठा उंगली को और तर्जनी उंगली को दोनों एक साथ दबाएंगे और इसमें भी 15 मिनट तक बैठेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ कुछ एक्यूप्रेशर की विधि। मर्म स्थानों पर जो दबाव दिया जाता है, तो देखिए पहले आप जो है इन स्थानों पर दें, यहाँ और इसकी एक जिम्मी आती है तो वह जिम्मी में आप बाज़ार से खरीद सकते हैं या फिर आप कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलम के हिसाब से आप जो है बीच में दबाएंगे। देखिए ये चैनल है, दो उंगलियों के बीच का जो रास्ता है यहाँ दबाएंगे आप। इस तरह से आप कलम से भी कर सकते हैं और जिमनी आती है उस जिमनी से भी आप कर सकते हैं। लकड़ी का बना होता है, वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरह से आप इसको करेंगे, यहाँ पर दबाएंगे हाथ के इस बिंदु पर, दोनों हाथों में यहाँ पर और आपको दो दो तीन तीन मिनट दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका जो बीच का जो क्षेत्र है यहाँ आपको दबाना है, बीच का क्षेत्र में दबाना है, इधर साइड में दबाना है आपको, इधर यहाँ दबाना है दोनों हाथों में। इस क्रिया को आपको दो दो तीन तीन मिनट तक करना है, बहुत आसान है और दो तीन बार करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। आपको इस क्षेत्र में यहाँ जहाँ मिलता है ये यहाँ भी दबाएंगे पैर में, इधर तो मैंने बताया ही था आपको, इधर दबाना था, इसके अलावा आपको यहाँ दबाना है, इतना क्षेत्र में दबाना है आपको। एक्यूप्रेशर पैड भी मिलता है, उस पैड को खरीद लीजिए, उस पर चढ़िए। खड़ाऊँ भी मिलता है, आप खड़ाऊँ पहन करके थोड़ा सा चलिए या गिट्टी वगैरह अपने घर के सामने डाल दीजिए और फिर तो कुछ मिट्टी फेंक दीजिए और थोड़ा सा उभर जाएगा वह, उसके ऊपर चलिए तो बहुत ही लाभकारी होगा। दोनों ही पैरों में आपको यहाँ पर करना है दो दो तीन तीन मिनट तक। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको क्या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में बतला रहा हूँ कि आपको क्या क्या लेने हैं जिससे जो है आप बहुत लाभान्वित हो जाएंगे। तो भोजन में तो पहले आप देखिए क्या क्या नहीं लेंगे, वो समझ लीजिए। मैदा नहीं लेना है आपको, चाय कॉफ़ी इन सब का लेना, मदिरा सेवन नहीं करना, दूध के आइटम नहीं खाने हैं। दूध पेट के लिए आंतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, दूध या दूध से बनी कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है। और खट्टी चीज़ नहीं खाना है, एसिडिक चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि एसिड जो है वहाँ पर घाव पैदा कर देगा, अल्सर भी हो जाएगा और उससे सूजन बढ़ जाएगी और उससे जो है जीवाणु वहाँ ज़्यादा पनप जाते हैं। अब आपको यह बताता हूँ कि आपको एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बतला रहा हूँ जिसको कि आपको लेना है। इसमें आप काला नमक सेंधा नमक बराबर भाग में ले लीजिए और इन्हीं की मात्रा में, यानी काला नमक सेंधा नमक जितना लिए हैं इन्हीं की मात्रा में आपको नीम की गुठली मिलती है वो ले लीजिए, या नीम का छाल ले लीजिए, अरंड ले लीजिए और अदरक काली मिर्च पिपली आंवला हरड़ पहेड़ा अनार का बक्कल ले लीजिए, फिर आप तेजपात ले लें, जामुन की गिरी मिलती है तो उसको ले लें, या तो नहीं तो जामुन का छाल ले लें, सदाबहार का फूल ले लें, गुलाब का फूल ले लें, खाने वाला सोडा ले लें। मात्रा सबकी बराबर ही आपको रखनी है, ये ध्यान रखना है। सौंफ ले लें और काली जीरी ले लें, हीरा हींग ले लें, हींग में स्पेशली आपको हीरा हींग लेना है ये ध्यान रहे, धनिया ले लें और आप अनंतमूल पुनर्नवा उसको ले लें, फिर आप वाय विडंग लें और वंश लोचन ले लें। इन सबको कूट पीस करके आप बराबर मात्रा में कर लें और उसको हल्का कुनकुना जल से उसको दो बार सेवन करें। अजवाइन ले लें, इसमें भूल गया था मैं, अजवाइन भी बहुत लाभकारी है। तो आप देखेंगे कि आपका सूजन बहुत ही कम समय में 15 दिन में यह जो है आपका ठीक हो जाएगा और 6-7 दिन में रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। योग अगर आप दोनों समय करेंगे तो समय अवधि आप आधी रख लीजिए, यानी 7-8 दिन में आपका सूजन सही हो जाएगा अगर दोनों टाइम करते हैं तो। एक टाइम करेंगे तो 15 दिन चला जाएगा, किसी किसी केस में 1 महीना चला जाता है। तो इस आंत के सूजन से संबंधित और दर्द से संबंधित जो शिकायतें आती हैं वो सही हो जाएगा, लेकिन आप अपने जो आपका अपना भोजन का जो स्टाइल है उसको आपको बदलना पड़ेगा। बासी चीज़ बिल्कुल नहीं खाएं, ताज़ी ताज़ी चीज़ खाएं। भोजन बन जाने के 30 मिनट के भीतर में भोजन कर लिया करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाज़ार की चीज़
बाजार का भोजन जो ढाबे में खाते हैं उनको यार दिक्कत होती है, क्योंकि वे लोग सड़ी हुई जो सब्ज़ी होती है उसको ढाबे वाले उसको फिर मिला देते हैं, बची हुई सब्जियों को मिलाते चले जाते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो यह ध्यान रखें, आप अपने पेट नाभि के ऊपर पेट पर पुलटिस भी बांध सकते हैं। इस पुलटिस में आप क्या लेंगे, एक तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं और हींग ले लें, हींग का लेप और सेंधा नमक इनका लेप भी आप लगा सकते हैं और वह बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप हींग का लेप लगा दें किनारे किनारे अपने नाभि के और नाभि से नीचे के हिस्से में तो बहुत ही फायदा करेगा। और पुलटिस से आप सेकाई कर सकते हैं, कपड़े में पुलटिस बांध करके और किस सेकाई करेंगे तो भी लाभ होगा। इतना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है आपके रोग को छुड़ाने के लिए। ओम।